नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए SSC CGL 2019 में जो रिक्रूटमेंट होने वाला था उससे जुड़ी बहुत बड़ी न्यूज़। तो दोस्तों, लाखों कैंडिडेट्स के लिए इंतजार था कि हमारा टीयर वन का जो है एग्ज़ाम कब होगा और उसके एडमिट कार्ड कब रिलीज होंगे। तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि SSC ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए हैं टीयर वन के एग्ज़ाम की, और टीयर वन, टीयर टू और टीयर थ्री के लिए जो एग्ज़ाम की डेट होगी वो भी SSC ने बता दी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बताऊंगा कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो कब होगा और आपके लिए एग्ज़ाम देने के लिए एडमिट कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप एडमिट कार्ड के लिए कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अभी SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम आ चुके हैं अभी सरकारी रिजल्ट पे। तो सरकारी रिजल्ट वेबसाइट पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे SSC CGL टीयर वन एडमिट कार्ड। तो दोस्तों, आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों क्या करना है आपके लिए, यहाँ पर सब कुछ डिटेल दी हुई है कि पोस्ट डेट कब है, 21 अक्टूबर 2019 पोस्ट अपडेट, जो भी है आपकी भर्ती से संबंधित यहाँ पर डिटेल दी गई है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आपके लिए बता दूँ इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में, यहाँ पर एप्लीकेशन बिगन हुई थी आपकी 22 अक्टूबर 2019 के लिए, ऑनलाइन अप्लाई किया था आपने। चलो, इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आते हैं अभी पॉइंट पर। तो एग्ज़ाम डेट होगी दोस्तों आपकी टीयर वन के लिए 2 से 11 मार्च 2020, मतलब जो टीयर वन का एग्ज़ाम होगा आपका वो 2 मार्च से 11 मार्च 2020 के बीच में होगा। और टीयर सेकंड एंड टीयर थर्ड के लिए आपकी जो एग्ज़ाम डेट होगी वो 22 से 25 जून 2020 के बीच में होगी। उसके बाद में एग्ज़ाम डेट फॉर टीयर फोर के लिए नोटिफाइड सून, अभी तक नहीं बताया गया है कि टीयर फोर का आपका एग्ज़ाम कब होगा और इंटरव्यू आपके कब से होंगे, वो भी नोटिफाइड सून, मतलब आपके टीयर फोर और इंटरव्यू की डेट अभी तक मेंशन नहीं की गई है। तो दोस्तों, ये है यहाँ पर वैकेंसीज़ की डिटेल। अगर आपने इस वैकेंसीज़ के बारे में, आपको सबको पता ही होगा क्योंकि आप इस भर्ती से जुड़ी सभी चीज़ें पूरे कर चुके हैं। तो दोस्तों, वैकेंसी की डिटेल आपको बताने की मैं आवश्यकता नहीं समझता। आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद केवल इतना ही है कि आपको बताना कि एडमिट कार्ड जो हैं वो रिलीज हो चुके हैं और आप एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम चलते हैं यहाँ पर नीचे। तो यहाँ पर कुछ लिंक्स दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको अपना रीजन सेलेक्ट करना होगा। तो CR रीजन वाले के लिए यहाँ पर क्लिक करना होगा और जो अदर रीजन्स में आते हैं उनके लिए यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों, अगर आपको अपना रीजन नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम बताएं, जिससे मैं आपके लिए बता दूंगा कि आप किस रीजन से संबंधित हैं। और दोस्तों, अगर आपके लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई भी दिक्कत का सामना करना पड़े तो आप बेझिझक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करें, तो मैं आपके लिए फुल हेल्प करूँगा। तो दोस्तों, हम क्लिक करते हैं अभी यहाँ पे CR रीजन वाले पे। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे तो हम पहुँच जाएंगे दोस्तों इस पेज पे। तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा खुल के। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर ऑनलाइन एप्लीकेंट ओनली। तो यहाँ पर आपके लिए अपनी रजिस्ट्रेशन ID डालनी होगी, यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी, उसके बाद में दोस्तों सेलेक्ट योर एग्ज़ाम सिटी। तो आपका, आपने जब फॉर्म को अप्लाई किया होगा तो आपसे एग्जाम सिटी पूछी होगी, तो आपने जो भी एग्जाम सिटी उस समय डाली है अपने फॉर्म पर देख लीजिएगा, आपके पास में अप्लाई के टाइम का जो फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म वो होगा। तो इसमें आपको आपकी एग्जाम सिटी डालनी होगी, उसके बाद में यहाँ पे आपको ये एक कैप्चा इमेज फिलअप करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट है दोस्तों इसको एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का तरीका, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट तरीका है इफ़ यू नो योर रोल नंबर, अगर आप अपना रोल नंबर जानते हैं तो आपके लिए यहाँ पर अपना रोल नंबर एंटर करना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, सेलेक्ट सिटी और भाई आपको वेरीफाई हुमेन, मतलब आपके लिए जो कैप्चा दिया हुआ है उसको आपको यहाँ पर इस बॉक्स में टाइप करना होगा। तो दोस्तों, अगर आप अपना रोल नंबर भूल चुके हैं तो आप एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर अपना नेम एंटर करना होगा, आपका फादर का नेम एंटर करना होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी होगी और सेलेक्ट योर एग्जाम सिटी। तो आपको यहाँ पर अपना एग्जाम की सिटी एंटर करनी होगी। तो आप अगर रोल नंबर भूल भी गए हैं तब भी आप यहाँ पर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करना है वो मैं आपके लिए बता चुका हूँ इस वीडियो के माध्यम से।
तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे ये वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स के पास पहुँचे और वो अपना एडमिट कार्ड समय रहते डाउनलोड कर सकें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आपके लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।